हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ पार्टिकल इनसाइड एन एटम। बट अभी आप सोचो कि हाउ दे आर अरेंज्ड। देयर आर मेनी वेज ऑफ अरेंजिंग थ्री डिफरेंट थिंग्स। सो हाउ दे आर अरेंज्ड इनसाइड एन एटम। सपोज एटम इज अ रूम एंड देयर आर थ्री पर्सन इनसाइड द रूम। सो हाउ थ्री पर्सन आर सिटिंग, वो कैसे हैं, वो तीनों एक साथ हैं, तीनों तीन कोने पे हैं, और हमें ये भी तो नहीं पता कि वो रूम का शेप क्या है, हमें ये भी पता एटम कैसा है, स्फेरिकल है, क्यूबॉइडल है, एलिप्टिकल है, हमें कुछ भी नहीं पता। सो टू एक्सप्लेन दिस, साइंटिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रपोज सम मॉडल, एंड द फर्स्ट वेरी सिग्निफिकेंट वन वाज प्रपोज्ड बाय जे.जे. थॉमसन। सो वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन के मॉडल को एक और नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन। सो व्हाई इट्स कॉल्ड वाटरमेलन और प्लम पुडिंग इज लाइक दैट। सो ही सेड दैट एटम इज बेसिकली अ पॉजिटिव स्फीयर, लाइक अ वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट। जो वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। And like the seeds, get the watermelon is a cartoon cross section, वो बीच बीच में कहीं कहीं पैसे से seeds होते हैं ना। So these are the negative charges. So he said that this is uniformly positive charge. So Thomson said that कि atom जो है वो एक ऐसा positive sphere है जिसमें positive charge is uniformly spread, एंड बीच बीच में कहीं रैंडम पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन्स है, जस्ट लाइक प्लम पुडिंग, पुडिंग केक होता है उसमें फिर प्लम्स होता है ना, प्लम केक, प्लम इम्बेडेड, या फिर वाटरमेलन, वाटरमेलन के सीड, ऐसा उन्होंने ऐसा एक मॉडल दिया। बट इस मॉडल में कई ड्रॉबैक थे। वेरी सिंपल, इसकी जैसे आप अभी ये पॉजिटिव चार्ज है और आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक साथ चिपकाते हो तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होते जाएगा, न्यूट्रल होते जाएगा, और बोलते हो तो ये पूरा ही न्यूट्रल हो जाएगा, एंड फिर इसमें चार्ज पार्टिकल की आइडेंटिटी ही लॉस्ट हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल फिर इससे निकल ही नहीं सकता, लेकिन कैथोड रे ट्यूब में तो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। अगर मॉडल ये ट्रू था तो इफ दिस मॉडल इज ट्रू देन नो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज सपोज इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो बचेंगे ही नहीं, उनको तो खत्म हो जाएंगे ऐसे ही। अगेन दूसरा ड्रॉबैक भी था, इट्स अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स। कई एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स के मोबाइल होने का पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल पार्टिकल्स, उनको मूव करते रहते हैं, बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन ऑल दिस। दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड वेरी सून आफ्टर इट्स पब्लिकेशन, दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड। एंड नेक्स्ट इन द लाइन इज रदरफोर्ड सर। रदरफोर्ड के मॉडल को हम पढ़ते हैं, काफी वो क्लोज है एक्चुअली रदरफोर्ड मॉडल। Just for intro, not a default model, then after. So, पहले मैं आपको रदरफोर्ड मॉडल बताऊं, उससे पहले रदरफोर्ड इस मॉडल पे आए कैसे? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, फेमस एक्सपेरिमेंट, वो था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का पहले तो देखो, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने क्या किया, सोर्स लिया, सोर्स ऑफ अल्फा रे। अल्फा रे क्या है, डबली चार्ज लिथियम आयन Fe2O4। इससे जो अल्फा रे निकले उसको एक गोल्ड के फॉइल से पास कराया, अल्फा रे को गोल्ड फॉइल से पास कराया और पीछे स्क्रीन से ऐसा ऑब्जर्व किया। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन ये हुआ, सपोज इट्स अ गोल्ड न्यूक्लियस, ऐसा देखा गया कि मोस्ट ऑफ द रे ऐसे अनडिफ्लेक्टेड ही है, अनडिफ्लेक्टेड चले गए, ठीक है। फ्यू रे सफर डिफ्लेक्शन, जो न्यूक्लियस जो सेंट्रली क्लोज है उनमें डिफ्लेक्शन हुआ, एंड रेयरली सम रे रिट्रेस्ड इट्स पाथ। तो क्या कंक्लूजन हुआ इस
गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे रिमेन अनडिफ्लेक्टेड एंड स्ट्रेट पाथ पे फॉलो किया, वेरी फ्यू अल्फा रे वर डिफ्लेक्टेड एंड इवन मच 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 लेस नंबर ऑफ अल्फा रे वर डिफ्लेक्टेड बाय एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, बहुत कम रे ऐसे इधर वापस आए, 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, बहुत कम रेज का, एंड रेयरली वन इन अ मिलियन और वन इन अ बिलियन रे रिट्रेस्ड इट्स पाथ बैक, तो सीधा आया 180 डिग्री के एंगल पे आया, तो इससे क्या क्या कंफ्यूजन निकलता है ये समझना, समझते हैं उस कंफ्यूजन को हम। अल्फा रे क्या थी, अल्फा रे वॉज वॉट, डबली चार्ज हीलियम आयन Hg प्लस 2, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, सो इफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक, व्हाई इट्स रिफ्लेक्टेड बैक, इट्स रिफ्लेक्टेड बैक बिकॉज सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज देयर, दैट्स व्हाई इट्स रिफ्लेक्टिंग बैक, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग बैक, बट most of the rays are going undeflected, it means the positive part which of the atom is at very low volume compared to the remaining part, so isse ye conclusion nikla ki the positive part in an atom has very less volume as compared to that of atom, and most of the space inside an atom is empty kyunki most of the rays went straight away but not deflected, so atom ke andar majority of space is empty hai and positive jo part hai jo proton hai wo bahut kam space mein hai and wo center pe hai kyunki aisa matlab unhone observe kiya center pe hai wo positive part and wo kafi kam volume leta hai, theek hai, ye unke conclusion the, is conclusion ke basis par उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम्स में स्प्रेड होते हैं एंड वो पॉजिटिव पार्ट के अराउंड मूव करते हैं, पॉजिटिव पार्ट जो है बहुत कम वॉल्यूम में सेंटर में होता है, अभी उनकी क्या क्या प्रोस्टुलेट्स थे हम वो देखते हैं, ठीक है, और रदरफोर्ड ने एक और क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव पार्ट है तो न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव पार्ट है वो न्यूक्लियस में रहता है एंड न्यूक्लियस क्या है वो n प्लस p है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मेक द न्यूक्लियस एंड एट सेंटर ऑफ एटम, दूसरा इनका जो कंक्लूजन था वो था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, सो इन्होंने इसे मेन दो कंक्लूजन थे इनके कि पॉजिटिव पार्ट जो है वो सेंटर पे होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है एंड इसका वॉल्यूम काफी कम होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का एम्प्टी होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बट अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो सेकेंड पॉइंट का है, देखो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है even if it is at uniform velocity is it accelerated, suppose there is a velocity vector v and it's moving in a circular orbit with a uniform velocity, is it accelerated, exactly it's accelerated but people say no it's uniform velocity hai fir bhi accelerated hai kyunki dekho velocity is a vector quantity, अभी इस मोमेंट पे वेक्टर ये था, अगले मोमेंट पे ऐसे 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 वेक्टर इज चेंजिंग, सो देयर मस्ट बी सम एक्सीलरेशन एंड दैट एक्सीलरेशन इज दिस सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ए सी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर,
So even in case of electron, if electron is moving in a circular orbit, उसके पास एक acceleration होता। But Maxwell की theory कहती है कि any charged particle undergoing an accelerated motion will emit electromagnetic radiation. So if this was supposed to be true that electrons are moving in a circular orbit, electrons would have continuously emitting electromagnetic waves. And these electromagnetic waves comes at the cost of the energy of electron. So electron अपनी energy lose करता जाता है और electromagnetic waves निकलते जाते continuously और धीरे-धीरे इसकी velocity कम होती और ये shrink होकर ये जो nucleus है ऐसे shrink होता जाता और समय के साथ ये इसमें collide कर जाता और ये समय जो collision मतलब ये collide करने में आता ये 2 सेकंड में बहुत छोटा magnitude का होता है and then the matter would not have been stable. Matter कोई matter stable नहीं होता, सब unstable होते, ऐसे अगर ऐसा होता तो, but ऐसा नहीं है, सकता ही नहीं है, इसलिए ये theory गलत है, circular motion वाला point गलत है, सिर्फ बराबर देखो दो ही चीज हो सकती थी, या तो मैक्सवेल की थ्योरी गलत हो सकती है या रदरफोर्ड की, एंड मैक्सवेल की थ्योरी वाज वेल प्रूव्ड एंड एस्टैब्लिश्ड एट दैट टाइम, सो इट मींस रदरफोर्ड वाज रॉन्ग इन हिज अजम्पशन दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड इन अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, सो हु करेक्टेड रदरफोर्ड? बोर करेक्टेड रदरफोर्ड, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी बोर मॉडल. थैंक यू.